जय हिंद मेरे दोस्त, मेरा नाम है सीए जय गुलिया और केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जो कि एक पैरेलल बॉडी एस्टेब्लिश करने वाले हैं। पार्लियामेंट्री पैनल में कुछ प्रपोज्ड किया गया है कि #CA मोनोपोली की CAICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मोनोपोली है अकाउंटिंग फील्ड में, तो उसको डिक्रीज करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए हमारी सरकार एक नई बॉडी क्रिएट कर रही है, एक नया इंस्टीट्यूट बना रही है, जस्ट लाइक IIM, IIT, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसी बॉडी बनाई जा रही है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये बॉडी जो आने वाली है ये कैसे हम लोगों को बेनिफिट देने वाली है। दैट मीन्स जो अकाउंटिंग फील्ड से, जो फाइनेंस फील्ड से रिलेट करते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, उसको ये कैसे बेनिफिट देगी, कैसे नुकसान पहुंचाएगी, एक डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज की इस वीडियो में हमारे साथ सीए कपिल जैन जी हैं, एक डिटेल डिस्कशन देखते हैं इस वीडियो। सर आपका स्वागत है चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारे सीए फ्रेटर्निटी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। आज हम एक डिस्कशन करने वाले हैं कि जो ये नया इंस्टीट्यूट बनाने की बात कर रहे हैं हमारी सरकार, बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जस्ट लाइक IIM, IIT, तो उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करना है आपके साथ। तो आपने भी देखा होगा, 2-3 दिन से न्यूज है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, चाहे वो सीए स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे वो जॉब में हो, या फिर वो बच्चे जो सीए ज्वाइन करने वाले, उनके लिए क्या उनको अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के बहुत डाउट है जी जी कि हम ये कोर्स ज्वाइन करें, या फिर जो ऑन द वे है इस कोर्स में कि जी जो कर रहे हैं IPCC में है, इंटर में है, उनको ये कंप्लीट करें, छोड़ के कोई और कोर्स ज्वाइन कर लें। तो आप थोड़ा सा इसमें एक बार डिटेल डिस्कशन करना है आपके साथ जी। बिल्कुल, तो आप बताएं जरा कि क्या है। देखिए बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हमारा सीए इंस्टीट्यूट है, ठीक है, काफी टाइम से है, लगभग 70 साल हो गए होंगे हमारे इंस्टीट्यूट को, बल्कि ज्यादा ही। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसमें पढ़ाई कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, और वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है फिर वो मार्केट में आता है, वो सर्विस देता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है ना कि लोगों के मन में ये शुरू से लेकर अभी तक है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी मेहनत कर रहा है उस कोर्स के अंदर, जितनी मेहनत वो कर रहा है उसे उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा। और हो क्या रहा है कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, जैसे मान लो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने 5 साल मेहनत करी, 7 साल मेहनत करी, कई लोग 10 साल भी मेहनत कर रहे हैं उसमें, ठीक है, फिर भी एक रिजल्ट्स नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट्स को ये लग रहा है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इन्होंने ना अपनी एक मोनोपोली कर ली है। लेकिन गवर्नमेंट्स ना अभी इस चीज को ध्यान ही नहीं दे पा रही, ठीक है ना, कि भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का ना बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमारे 3 लाख होंगे, 4 लाख होंगे, लेकिन जो अकाउंट्स का प्रोफेशन है वो होगा कम से कम 20 लाख लोगों का, 50 लाख हो सकते हैं। मतलब CAs के अलावा एडवोकेट्स हैं या फिर जो अकाउंटेंट्स हैं, सबका टोटल। तो गवर्नमेंट्स को ये लग रहा है कि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो बहुत कमा रहे, ठीक है ना, हम एक नया इंस्टीट्यूट बना देते हैं और एक कंपटीटर खड़ा कर देते हैं। अगर हम एक कंपटीटर खड़ा कर देंगे तो हमेशा एक चीज देखना, जब तक मार्केट में किसी का कोई कंपटीटर नहीं आता तो व्यक्ति क्या कर रहा होता है, वो सही कर रहा है तो भी सही है, गलत कर रहा है तो भी सही है, क्योंकि उसका कोई कंपटीटर नहीं। लेकिन जैसे ही एक कंपटीटर मार्केट में आ जाता है, या हम कंपटीटर नहीं कहे, 2 दुकानें भी किसी मार्केट में अगर हो जाती है तो वहां पर क्या है ना, दोनों एक्टिव हो जाते हैं। तो सर लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद से ही कॉन्ट्राडिक्ट है अपने। जी बिल्कुल, कुछ टाइम पहले ये नाफरा लेके आए थे, तो नाफरा का ये था कि कुछ एक्स अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट तक जिनकी टर्नओवर है या नेटवर्थ जो भी था, कि इससे नीचे अगर कोई कंपनी है तो उनको ऑडिट नहीं करवाना है, तो वहां पे तो ये कहती कि ऑडिट नहीं करवाना है। और अब ये एक पैरेलल बॉडी खड़ा कर रहे हैं, वहां पे ये सोच रहे कि काम बढ़ा दे, खुद पहले एक तरफ काम कम करते हैं, दूसरी तरफ काम बढ़ाने की बात करते हैं। नहीं, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट्स का, ये तो बिल्कुल आपकी ठीक बात है कि गवर्नमेंट्स को भी पता ही नहीं हमें काम क्या कराना है, हमें किससे काम कराना है। गवर्नमेंट्स यहाँ पर खुद कंफ्यूज में कि भाई हम ये जो कंप्लायंस बर्डन कम कर दे, सीए से उस काम को हटा दे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स को पहले एक स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि काम तो इकोनॉमी में है, अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में बहुत काम है। अगर मैं GST की ही बात करूं तो GST में बहुत काम है जिसे कोई भी प्रोफेशनल कर सकता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे आप, अगर अब मुझे नहीं पता जो ये नया इंस्टीट्यूट बनेगा इसकी क्या क्वालिटी होगी,
ठीक है ना, हो सकता है इसकी फीस 20 लाख रुपए हो जाए कोर्स की, 10 लाख रुपए हो जाए और कोर्स इजी हो जाए। तो जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि कोर्स टफ है, क्या पता वो लोग यहाँ पर मूव कर जाए। लेकिन फिर आउटपुट कैसा निकलेगा? अब 20, अब जैसे आपने कहा कि फीस 20 लाख हो जाए, आईआईएम आईआईटी की फीस अगर मैं कंपेयर करूं, आईआईटी हालांकि सब्सिडाइज है बट आईआईएम की बात करूं एबीसी की, तो वहां पे फीस हाई है। अब कोर्स बेसिक इजी कर दो लेकिन फीस हाई करके फिर आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा। नहीं, आउटपुट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, एक एक बिजनेसमैन है, उसने अपने बेटे को अपनी बेटी को सीए का कोर्स करा रहा है। अब उसके पास वो चाहे तो 1 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, 2 करोड़ 10 करोड़ खर्च कर सकता है, कहता है सीए की डिग्री मिल जाए, तो वो व्यक्ति तो नहीं कर पा रहा। अगर इन्होंने इसी तरीके से आईआईए बनाया, अगर उसे टफ करा कि चलो भाई एंट्रेंस लेवल टफ है इसका, जैसे हमारा एमबीए वगैरह में होता है कि एंट्रेंस लेवल टफ है बाद में इजी है, तो हो सकता है कि वहां पर वो व्यक्ति एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्राउड तो जाएगी नहीं। अगर मैं आपकी बात करूं, आईआईएम की बात करूं या किसी की चीजों की भी बात करूं, तो वहां पर जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है अपनी चीजों को करने में, वो वहां पर जा ही नहीं पाता। तो ये उन लोगों के लिए एक डिग्री कोर्स बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, सीए को और जो ये इसको सीपीए कह रहे हैं शायद, जी जी, तो इसमें एक मेजर फर्क ये होने वाला आर्टिकलशिप का शायद, जो अभी प्रपोज है, जो भी गाइडलाइन जितना भी ड्राफ्ट आया है उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि आर्टिकलशिप भी करवाएंगे। दैट मींस एक ट्रेनिंग पीरियड होता है सीए में, लेकिन वो वहां पे मिसिंग होगा। नहीं, अब देखो ना, अगर कोई चीज बहुत अच्छे से हम चला दें तो फिर दूसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो दूसरा एंट्री करेगा ही नहीं मार्केट में। हमेशा मार्केट में एंट्री तब करते हैं लोग बाग जब वो पहला वाला व्यक्ति अच्छी सर्विस कई बार नहीं दे पाता है। अब आपने कहा कि आर्टिकलशिप सीए के अंदर इतनी अच्छी है कि अगर किसी ने आर्टिकलशिप कर ली उसे इतनी नॉलेज आ जाती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीए करते तो है लेकिन विदाउट आर्टिकलशिप करते हैं, बहुत माइनर सा परसेंटेज, 1-2-5%। अब जितना भी परसेंटेज है सर, क्या होता है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक है, किसी के रिश्तेदार सीए हो गए, किसी का कोई सीए हो गया, तो किसी ने तो एक एक दिन की भी आर्टिकलशिप नहीं करी, किसी ने 1 साल की करी, किसी ने 2 साल की करी। तो अगर उसने वो आर्टिकलशिप करी ही नहीं तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया। अगर वो बिना आर्टिकलशिप के भी अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, अगर वो बशर्ते उस पीरियड में कहीं पर और काम कर रहा हो, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, कैसे भी कुछ भी कर रहा हो, प्रैक्टिकल अटैच हो काम से। हाँ, ठीक है, कई लोगों को मैं मानता हूँ कि मान लो जरूरत नहीं है, उन्हें जबरदस्ती है कि भाई करना है, कई लोगों को जरूरत है लेकिन उनके पास ऑप्शन है तो वो नहीं कर रहे। तो अगर हम अपनी आर्टिकलशिप पे इतना हमारा फोकस है सीए के अंदर, तो अगर हम इसे प्रॉपर कर दें, अब जैसे आज की डेट में देखोगे, आज की डेट में आर्टिकलशिप मिलती नहीं है। मिलती क्यों नहीं है, मतलब कि अगर आप अच्छी फर्मों में देखोगे वहां पे 10-10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 50-50, छोटी फर्म में कोई आना नहीं चाहता, तो हमारे को आर्टिकल्स मिलती नहीं, पहले ऐसा नहीं था। तो आर्टिकलशिप का भी ना, अगर ये रेगुलर हो, एक अच्छे इंटरवल पर हो, अच्छा रेमुनरेशन हो, सारी चीजें हो, तो आर्टिकलशिप बहुत अच्छी है। लेकिन हम इसे कितने अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन फिर इसकी अगर मैं इसी तर्ज पे जाऊँ, आईआईएम आईआईटी वाली तर्ज पे जाऊँ, वहां पे ना कहीं ना एक कोटा फिक्स होता है। हाँ, शायद आईआईएम में 37% कोटा, अदर स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए 25% एससी एसटी वगैरह के लिए ऐसा कुछ है, रफली नियर बाय इतना ही। तो अगर ये कहा जाए, अभी क्या है कि सीए इंस्टीट्यूट में कोई कोटा नहीं है, आप अपनी काबिलियत पे है, आप में दम है, आप एग्जाम पास कीजिए और आप सीए बन जाए, क्वालिफाई कीजिए। लेकिन वहां पे क्या कोटा रिजर्वेशन हो जाएगी अगर वो उसके पैरेलल बनाना चाहते हैं, उस जैसा बनाना चाहते हैं, तो फिर इसका कहीं ना कहीं क्वालिटी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो ना, अब आप ना पहले अगर हम रूट में जाए, तो ये जो कोटा होता है, ये आरक्षण होता है, ये क्यों मिलता है, आप इस चीज को समझिए। जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है ना, उस टाइम पर क्या है ना, मान लो मैं कपिल जैन, ठीक है ना, और मान लो कोई ओबीसी एसटी है या कोई गरीब है या कुछ भी, तो क्या है ना, गवर्नमेंट का ये मानना था कि भाई कपिल जैन को बहुत सारी सुविधाएं, तो कपिल जैन ने सारे अच्छे हालातों में 80% नंबर लेकर आया है। लेकिन जय गुलिया जी के पास कोटा है, जय गुलिया जी के हालात अच्छे नहीं है, मतलब कि उन्हें वो सारी सुविधा नहीं है। तो अगर इन्हें सारी सुविधा नहीं मिली, फिर भी इनके अगर 60% आ गए, तो वो 80% से अच्छी है। इस वजह से कोटे को यहां पर अहमियत दी गई हमारे देश में। लेकिन ये तो कई बार अनफेयर भी हो जाता है। मैंने क्या बताया, ये जब आया था
तब ये इस बेस पर आया था। आज की डेट में क्या है कि आपके पास कोटा है और आपके पास सारी सुविधा भी है, सारी सुविधा भी ना है ना? तो आपके 60% आ गए, मेरे पास कोटा नहीं है और मेरे पास सुविधाएं भी नहीं है, मेरे 80% आ गए। तो यहाँ पर ज्यादा कैपेबल कौन हुआ? मैं हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है और मेरे पास कोटा भी नहीं है और मैं फिर भी कितने लाया, 80। आपके पास सारी सुविधाएं हैं और कोटा भी है, फिर भी आप क्या 60, तो फिर भी आप। तो यहाँ पर इस चीज को समझिए, तो सीए इंस्टीट्यूट ने जो कोटा नहीं करा उन्होंने कहा हमारे को कोई मतलब नहीं, आप किसी भी परिस्थिति में कुछ भी आए, लेकिन कैलिबर डिसाइड करेगा सब चीजें। तो लोगों को ना इसमें विरोध है, तो उन्होंने आज के टाइम के हिसाब से ये चीजें करी है। और ये जो हमारा चल रहा है कि जो कोटे का प्रोविजन चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। अगर आज भी कुछ ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा आज भी जो है ना बहुत कम लेवल पर हो रहा होगा कि उन्हें सुविधाएं नहीं होंगी, लेकिन इसका ना मिसयूज हो रहा है। तो अगर ये आपके आईआईएम में कोटा आएगा तो जाहिर सी बात है कि क्वालिटी तो कम्प्रोमाइज होगी। अब सर देखिए, जैसे इंडिया में ना बहुत टाइम से ये बात कही जाती है, चलो अच्छी बात है, किसी देश की अच्छी चीजें आप अपना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो एनवायरनमेंट भी तो आपके देश में होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप कहीं का लॉ आप फॉलो करना चाहते तो उस हिसाब से आपका देश भी वैसा होना चाहिए, वहाँ की सोच वैसी होनी चाहिए, तभी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते जी। अभी जो भी ये प्रपोज आया है इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि हम यूएसए को बेस बना के ये मॉडल रख रहे हैं, वहाँ पे सीएफए है, फिर सीपीए अलग से होता है, उनके अलग अलग बॉडीज है। तो इंडिया में इसका क्या वो रहेगा अगर ये इंडिया में ये चीज करते, जैसे सीए अलग हो गया, फिर ये आईआईए भी सीपीए निकालेगा, तो इसका कितना इंपैक्ट जाएगा मार्केट? अब मेरे हिसाब से ना देखो कई चीजें हैं, जैसे इंडिया में जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे सारी चीज सिखा दी जाती है, 4 साल में 5 साल में उसे अकाउंट्स भी सिखा दिया जाता है, फाइनेंस भी सिखा दिया जाता है, शेयर मार्केट भी सिखा दी जाती है, आईटी भी सिखा दी जाती है, उसे सब कुछ सिखा दिया जाता है। उसे कहा जाता है अब तुझे जहां जो करना है वो कर, मतलब उसने खुद पे उस पे छोड़ दिया गया। हाँ, जो आपको अच्छा लगे अब आप वो करो, पूरा सिखा दिया जाता है। लेकिन अगर आप सीएफए की बात करें, जो यूएस का सीएफए कोर्स है, वहां पर वो कहते हैं कि हम इस व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट के लिए, शेयर मार्केट इन द सेंस मतलब कि पूरी मार्केट के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हमें सब पूरा फाइनेंस होता है, हम इससे ऑडिट नहीं कराएंगे। ऑडिट सिखाएंगे जरूर, कुछ चीजों में ऑडिट सिखाएंगे जरूर, लेकिन बनाएंगे वो नहीं। तो उसका एक अलग ही क्राइटेरिया बन गया कि जो व्यक्ति सीएफए करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, पोर्टफोलियो में जाएगा, इन चीजों में जाएगा। लेकिन सीए के अंदर क्या है कि वो ऑडिट में भी जा सकता है, अकाउंट्स में भी जा सकता है, ठीक है, कंसल्टेंसी में भी जा सकता है। तो हो सकता है कि जब ये लोग आ जाए, जैसे अब आपको पता है एमबीए, तो एमबीए वालों को फिक्स है कि एमबीए वाला व्यक्ति मैनेजमेंट में जाएगा, यहाँ ये चीज करेगा, आईआईटी का फिक्स है कि ये चीज करेगा। तो ये जो अकाउंटेंट्स बनाएंगे तो वहां पर एक अलग से, क्योंकि जब कोई चीज बनाई जाएगी तो उसकी पहले रिक्वायरमेंट पैदा की जाएगी कि जैसे आज हमारे को पता ही एमबीए वाला ये काम करता है, आईआईटी वाला ये काम करता है, तो इन अकाउंटेंट्स की एक पोस्टिंग दी जाएगी कि भाई आपको कंपनी में ये रखना है, ये रखना है, ये चीज करनी है। जो काम अभी हम सीए कर रहे हैं, या जो काम अभी एडवोकेट्स कर रहे हैं, या जो काम अभी बीकॉम करके, अकाउंट्स करके जो लोग पोजीशंस है, अब उसकी एक डिग्री बना दी जाएगी, क्योंकि 3 लाख इज नॉट अ सफिशियंट नंबर। जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं, वो पूरी इकोनॉमी को जो सर्व कर रहे हैं, अभी हमारे हिसाब से ये और ज्यादा होने चाहिए। इसकी जगह पर बाकी लोग ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा जो बाकी लोग अपना स्पेस ले रहे हैं उन्हें एक डिग्री दे दो। अब मान लो कोई प्रोफेशनल है, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, वो सीए की डिग्री मान लो नहीं कर पा रहा कि उसमें इतनी मेहनत है, इतना टाइम है, वो करेगा, वो आईआईए में जाएगा, सिंपल सी बात। तो मतलब ये अभी एक और बात चल रही है कि इसमें डार्क फ्यूचर होने वाला है, या कहीं ना कहीं सीए की रेपो कम होने वाली है इन द फ्यूचर। बट ये बेसिकली देखिए, मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ज्यादा कंपटीशन होगा तो ये और अच्छी बात है। बिल्कुल, और ज्यादा लोग मेहनत करेंगे, कम्पीट करेंगे, अपने आप को और पॉलिश करेंगे, और ज्यादा पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो आपका क्या विचार है इसमें, मतलब सीए की वैल्यू आने वाले टाइम में कम होगी, बढ़ेगी, क्या क्या रहेगा? देखो सिंपल सी बात है, मैंने ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देखे जिसकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 40,000 है, ऐसे भी देखे जिनकी लाखों में। डिपेंड ये करता है कि आप अपने आप को कहां पर लेकर जाते हो। मैंने ऐसे अकाउंटेंट भी देखे जो 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, मैंने ऐसे अकाउंटेंट्स भी देखे जो 2-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, वो अकाउंटेंट्स भी होके अच्छी रेपो भी है, सब चीजें। डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो।
होता क्या है कि हमारे देश में, कि मान लो मैंने आपको सीए की डिग्री दे दी, जैसे आपको सीए की डिग्री मिल गई, आपको लग गया आप तो मेहनत खत्म, अब तो कुछ करना ही नहीं, तो फिर आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, चाहे आपके सीए की डिग्री है या नहीं। ठीक है, आपके पैरेलल एक अकाउंटेंट है जो मेहनत करे जा रहा है, उसमें सीए की डिग्री नहीं है, तो वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो यहां पर इस बात को समझना है कि हिंदुस्तान के अंदर या कहीं भी किसी भी कंट्री में, मैं स्पेशली हिंदुस्तान की बात करूं, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई सैलरी पर्सन है, अगर वो अपने ऊपर दिन के 12 से 14 घंटा खर्च नहीं कर रहा है अपने काम के ऊपर, अपने ऊपर, तो वो नीचे जाएगा आधे दिन से ज्यादा। हाँ, मिनिमम उसे 12 घंटे से, आज मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप कहीं और देश में चले जाओ, वहां पे 4 घंटे काम होता है, 5 घंटे काम होता है, मुझे उसका नहीं मतलब। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर 12 घंटे से कम काम कर रहा है, तो उसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, या वो वहीं पर रहेगा, ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको मिनिमम 12 घंटे काम करना होगा जिस काम में आप हो, चाहे आप टीचिंग में हो, चाहे आप प्रैक्टिस में हो, चाहे आप जॉब में हो, कैसे भी करके आपको 12 घंटे मिनिमम अपने ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि इसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आएंगे। हाँ, मेरे हिसाब से पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि सीए की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है या फ्यूचर में सीए को खतरा है, क्योंकि देखिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे वाला क्या कर रहा है। सीए इंस्टीट्यूट अपना कर रहा है, वो अपनी एक अदर बॉडी है। अगर सामने वाला आता, बहुत से अकाउंटेंट सर ने बताया कि बहुत से अकाउंटेंट 2-2 लाख रुपए पर मंथ कमाते, तो डरो ना उनसे, डरो ना। बिल्कुल, आप उनसे क्यों डर रहे हो जो आए ये लेके आ रहे हैं? आने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है ना आपकी कितनी औकात है या कितनी नहीं है। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रही होगी, और आप अपने बिहाफ पे डिसाइड कीजिए, अपना खुद के लिए डिसाइड कीजिए, या आपके जो नियर बाय उनके लिए डिसाइड कीजिए कि ये क्या बेनिफिट होने वाला, क्या नुकसान होने वाला है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सीए की वैल्यू कम होने वाली, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, आप अपने आप को इतना पॉलिश कर लीजिए कि कोई भी आपको कम्पीट ना कर पाए। तो इसी के लिए थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, इसी तरह चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।